बारामूला के बाद बाद अनंतनाग की भी करेंगे। अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में सेना एक खास ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। इस ड्रोन को हेरॉन ड्रोन कहते हैं। इस ड्रोन की मदद से सेना ने आतंकियों के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। आइए आपको ये बताते हैं कि हेरॉन ड्रोन की खासियत क्या है और क्यों इसे दुश्मनों के खिलाफ एक गेम चेंजर बताया जा रहा है। वन बाय वन पॉइंट्स बताएंगे। हेरॉन ड्रोन को इजराइल ने बनाया है। भारत ने इसराइल से ही हेरॉन मार्क टू ड्रोन को खरीदा है। ये ड्रोन एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है जो कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है और 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये एक बार में 30 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। इसके अलावा इससे लॉन्चिंग साइट से बैठे बैठे 200 किलोमीटर दूर तक निगरानी रखी जा सकती है, आतंकियों की हरकत पर नजर रखी जा सकती है। ये किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है और इसीलिए इस ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे सैटेलाइट के जरिए ऑपरेट किया जाता है, जिसकी वजह से इसे ऑपरेट करने में कम से कम वैली के बीच में, घाटी के बीच में, जंगलों के बीच में नेटवर्क की समस्या नहीं आती। ये ड्रोन अपने साथ 250 किलोग्राम का हथियार भी ले जाने में सक्षम है जो कि इसे बेहद खतरनाक बनाता है।